हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दीप देखे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज लेके आ गया हूं। तो इस वीडियो का हर न्यूज का जो प्राइम स्ट्रैप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के प्राइम स्ट्रैप चेक करके न्यूज को देख सकते हो। पबजी की तरफ से एक नया अपडेट आने वाला है। तो हालांकि इंडिया में अभी तक पबजी लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसलिए पबजी का जो ग्लोबल बीटा वर्जन है वहां पे एक नया, आप बोल सकते हैं, एक ट्रेस की खोज मिला है। बीटा वर्जन में उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि आने वाले जो पबजी मोबाइल इंडिया है वहां पे इस ड्रेस को इंडिया वाले यूज कर सकते हैं। तो उस ड्रेस का नाम अनारकली। तो काफी हलचल मच गया है क्योंकि बीटा वर्जन पे जब उसको देखा गया है तब सब लोग सोच रहे हैं कि ये स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अनारकली जो ड्रेस है उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। तो इसीलिए सब लोग इंडिया के जो बड़े बड़े जो गेमर्स है वो लोग सोच रहे हैं कि इस अनारकली ड्रेस को स्पेशली पबजी मोबाइल इंडिया के लिए ही बना गया है। आई होप पबजी मोबाइल इंडिया 2021 के जनवरी तक आपको मिल जाएगा, यही सबका ख्वाहिश है। तो मैं नेक्स्ट जो न्यूज के बारे में बताऊंगा वो है कि रिलायंस जियो और रियलमी का पार्टनरशिप हुआ है। तो रिलायंस जियो और रियलमी का जो पार्टनरशिप का खबर आप लोग सुनते हो तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बात निकल के आता है कि सबसे कम प्राइस में स्मार्टफोन। तो रिलायंस जियो के जो सीईओ है मुकेश अंबानी जी, तो उन्होंने कुछ दिन ही पहले बोला है कि बहुत ही कम प्राइस में इंडिया में चीपेस्ट 4G और 5G स्मार्टफोन आने वाला है। तो आप लोगों को यही लग रहा होगा कि शायद रियलमी के साथ पार्टनरशिप करके जियो अपना जो चीपेस्ट 4G स्मार्टफोन है वो इंडिया में जल्दी से जल्दी लॉन्च करते, क्योंकि उसका प्राइस रखा गया है 2500 के आसपास। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जियो और रियलमी का जो है पार्टनरशिप। और जो गूगल के साथ पार्टनरशिप हुआ था तो उसके साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि गूगल के साथ इसलिए पार्टनरशिप हुआ है क्योंकि गूगल से वो जो है गूगल का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो उस फोन में लगाया जाएगा। और जो है रियलमी के साथ पार्टनरशिप करके जो हैंडसेट का जो है वो जियो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और उसके सिवा और भी बहुत कुछ डिवाइस जियो फाई की तरह और जियो फाई 5G इस तरह का कुछ आपको डिवाइस इन फ्यूचर मिल भी सकता है। तो BSNL की तरफ से एक नया न्यूज निकल के आया है जो कि है BSNL अपने जो 4G सैटेलाइट कनेक्शन है उसको यूज करते हुए 4G सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये सैटेलाइट के थ्रू जो है 4G सर्विस सभी के फोन में मिलेगा। काफी खर्च होगा इस प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट की तरफ से तो परमिशन नहीं मिला 4G लॉन्च करने का। तो इसीलिए BSNL सोच रहा है कि अगर 4G सैटेलाइट के थ्रू सभी का फोन में, जो भी लोग BSNL यूज करते हैं उसका फोन में अगर 4G सर्विस अवेलेबल कर दिया जाते हैं और बाद में उसका जो बैक में 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है, काफी अच्छी बात होगी क्योंकि BSNL के पास आपकी टाइम और नहीं बचा है। अगर BSNL इस सिचुएशन में 2021 के अंदर अगर वो अपना 4G लॉन्च ना करे तो BSNL को भी वोडाफोन आइडिया की तरह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो प्राइस हाइक के बारे में एक नया खबर सुनने में आ रहा है कि जनवरी मंथ में आपका जो है एयरटेल की तरफ से प्राइस हाइक देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो प्लान 300 रुपए का था एयरटेल में, वहां पे उस प्लान का प्राइस बढ़ के हो सकता है 500 रुपए। तो काफी सोचने वाली बात है मोबाइल यूजर्स के लिए, क्योंकि अभी जो है ट्राई की तरफ से जो है फ्लोर प्राइस के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। अगर ट्राई में फ्लोर प्राइस नहीं लाते हैं तो वोडाफोन ऑलरेडी प्राइस हाइक करने के बारे में बोल दिया है, और जो है प्रो पोस्टपेड सेक्शन के अंदर दो प्लान में उसका प्राइस हाइक भी ऑलरेडी हो चुका है। और एयरटेल भी अपना जो है प्राइस हाइक के बारे में सोच रहा है,
तो यहाँ पे जो मोबाइल यूजर है उसके लिए काफी सोचने वाली बात है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे जो है जो रिचार्ज का अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, हालांकि वर्ल्ड के सबसे कम प्राइस वाला प्लान इंडिया में ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अभी जो कोरोना का सिचुएशन है इंडिया में, वहां पे अगर बहुत लोग जॉबलेस है, अगर वहां पे इस तरह का मोबाइल प्लान का प्राइस हाइक हो जाए तो बहुत लोग मोबाइल यूज करना ही छोड़ देगा या रिचार्ज करना ही छोड़ देगा। तो यही था आज का न्यूज। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर देना। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलता हूँ मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।